Hello student, today we will discuss about nutrition in plant for class 7, part 3. Activity, last classes में मैंने part 2 में बताया था, nutrition के बारे में activity बताया था, और इसमें दो activity और है, experiment, जो 5 marks का question आता है, ठीक है, और यही question same to same, 10 classes में live process, जो chapter है, उसमें न्यूट्रिशन में दो टाइप जो डिवाइड किया गया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस में हमारा जो आपको पहले एक वीडियो भेजा था 7th क्लास को भेजा था, वही सेम जो है एक्सपेरिमेंट आपका 10th क्लास में भी और 7th क्लास में भी पढ़ना, थोड़ा सा केवल थोड़ा डिटेल है 10th क्लास में, लेकिन हमको नहीं लगता ये कि आप 7th क्लास में कोई दिक्कत होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली। तो एक्टिविटी टू में आप देखें, तो प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, या इसको क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न को चेंज किया सकता, टू डेमोंस्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है? तो पहले एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को लेते हैं, और हम लोग एपरेटस रिक्वायर्ड में हेल्दी पॉटेड प्लांट को लेंगे, रिपाद स्टैंड को लेंगे, कोनिकल फ्लास्क को लेंगे, कास्टिक पोटास को लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, कॉर्क लेते हैं, और एक गमला रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट के लीप को एक कोनिकल फ्लास्क में इंटर करते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी पहले से का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या कास्टिक पोटास केज को छोटे ग्रेन्यूल को रख देते हैं, फिर कॉर्क को इस प्रकार सेट करते हैं कि ये एयर टाइट हो जाए। इसे हम लोग 2 दिन के लिए सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखने के बाद इसको हम लोग निकालते हैं ए, और इसके लीफ को हम लोग प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, फिर प्लग करने के बाद पुनः इसको इसी एक्सपेरिमेंट में आइए सेकंड में, यहाँ पर एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ा था तो मैं यहाँ पर किया, इस लीफ को एक बीकर में पानी भरा हुआ रहेगा, उसमें टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल को मीन्स इथाइल अल्कोहल या स्प्रिट को डाल देते हैं, और इसी लीफ को जो प्लग किया था इसी लीफ को इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर एक गॉज वायर है, गॉज वायर के ठीक नीचे त्रिपाद स्टैंड है, इसी के ऊपर में हम लोग बीकर को रखते हैं। तो स्प्रिट लैंप को 5 मिनट्स के लिए टिल कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, हीट होने के कारण वाटर हीट होते हैं, वाटर हीट होने के कारण इनके कंटेक्ट में टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हीटेड हो जाता, स्प्रिट हीट होने के कारण इस लीप के अंदर में जो ग्रीनिश पार्ट था क्लोरोफिल कंटेनिंग था वो डिस्चार्ज कर जाता है, और टेस्ट ट्यूब का कलर जो होता है वो ग्रीनिश कलर हो जाते हैं। 5 मिनट्स के बाद इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे, और पुनः इस लीप को फोर सेप की मदद से एक पैट्रिक डिश पर रखेंगे, पैट्रिक डिश पर रखने के बाद हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को हम लोग जैसे ही डालते हैं तो लीप का वैसा हिस्सा जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर में था, तो इस पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद थे वो कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर देखिए कि मैंने 4 रॉ मटेरियल के बारे में कहा, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्लोरोफिल, सन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और H2O। जब चारों रॉ मटेरियल्स में एक भी रॉ मटेरियल एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इस पार्ट में आगे वाले पार्ट्स में यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और बैक साइड में पोर्शन जो थे इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था। तो आइडियल सॉल्यूशन को होल लीफ के ऊपर में हम लोग डालते हैं, तो ये पार्ट जो हमारा था तो स्टार्च इसमें एब्सेंट थे, इसलिए इनके कलर क्या होगा, पेल येलो कलर होंगे, लेकिन ये इस पार्ट पर आयोडीन सॉल्यूशन को हम लोग दो बूंद डालते हैं तो इनके कलर क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, जो परजेंस को बताता है कि इस पार्ट में
स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था। कंक्लूजन हमारा ये निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी को 10 क्लास में बेलजार एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो बेलजार एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इसको 2 मिनट लूंगा इसका। एक पॉटेड प्लांट को हम लोग ले लेते हैं, 2 पॉटेड प्लांट को, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 दिन के लिए सनलाइट के अवसर में डार्क रूम में रख देते हैं और पुनः इसको वापस लेकर आते हैं। इस पॉटेड प्लांट के ऊपर में जिस प्रकार लालटेन का लैंप आप जो देख रहे हैं, तो शीशे का कवर बना होता है, इसको बोलते हैं बेलजार। तो इसको ऊपर में पहना देते हैं ये, और नीचे वाले लेयर जो रहते हैं इसके कॉन्टैक्ट में, वहां पर वैसलीन को पेस्टिंग कर देते हैं दोनों को, दोनों प्लांट को। फिर और एक प्लांट में वहां पर एक पेट्री डिश में केओ सॉल्यूशन को रखा जाता, दूसरे पॉटेड प्लांट जो थे इसके ऊपर में बेलजार को हम लोग कवर किए थे, उसमें पेट्री डिश को नहीं रखते हैं। थोड़ी देर के बाद निकालते हैं और उसके लीप को इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग हीट कर डीकलराइज करते हैं लीप को, आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट प्लांट को जो बेलजार एक्सपेरिमेंट में केओ सॉल्यूशन रखा हुआ था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व कर लिया था, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुए। लेकिन दूसरे पॉटेड प्लांट था जिस पर पेट्री डिश उसमें नहीं रखे हुए थे, तो उस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं तो उसके कलर ब्लू ब्लैक हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया 7th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में भी इस प्रकार है और आपका 7th क्लास में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए सेकेंड या थर्ड एक्टिविटी में, टू प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आप या इसको हम लोग बोल सकते हैं टू डेमोंस्ट्रेट दैट लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट आवश्यक है। कैसे? तो हम लोग मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या करते हैं, डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट को लेते हैं जो हेल्दी हों, और फिर क्या करेंगे, पेपर, ब्लैक पेपर को लेंगे, जेम्स क्लिप लेंगे, ठीक है, फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे, बीकर लेंगे, वाटर लेंगे, अल्कोहल लेंगे, त्रिपाद स्टैंड लेंगे, गॉज वायर लेंगे, स्प्रिंट लैंप लेंगे, पेट्री डिश और आयोडीन सॉल्यूशन को लेते हैं। प्रोसीडर के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लांट को यहाँ पर देखिए कि लेप्स इन सनलाइट फॉर 2 to 6 आवर्स। इस प्लांट को हमारा डिस्चार्ज पॉटेड प्लांट के रूप में, क्रोटोन प्लांट के रूप में हो सकता है या मनी प्लांट के रूप में हो सकते हैं, इनको 2 से 6 घंटे तक सूर्य की धूप में छोड़ देते हैं और इस पत्ती के ऊपर में हाफ पार्ट में ब्लैक पेपर को कवर कर देते हैं, ठीक है, जेम्स क्लिप के द्वारा या स्टेपल कर। तो 6 घंटे के बाद इस लीफ को हम लोग प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद पुनः इस लीफ को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर में अल्कोहल रहेगा उसमें डाल देते हैं, फिर इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में पानी भरा हुआ रहेगा उसमें रख देते हैं, और इन सभी को एक गॉज वायर के ऊपर में जिस पर त्रिपाद स्टैंड रखा रहता सेट करते हैं, नीचे से स्प्रिट लैंप को 5 मिनट्स के लिए बर्न करते हैं, हीट करते हैं। हीट का फॉर्मेशन होने के बाद वाटर हीट होते हैं, इसके कंटेक्ट में टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब भी हीट होते हैं, अल्कोहल गर्म होने के कारण लीप के वैसे पार्ट जो क्लोरोफिल कंटेनिंग था वो डिसकलर हो जाते हैं। फिर इस स्प्रिट लैंप को 5 मिनट के लिए हम लोग स्टॉप कर देते हैं, फोर सीप से पकड़ कर सावधानी पूर्वक इसको पैट्री डिश पर लाते हैं और पैट्री डिश पर आयोडीन सॉल्यूशन को 2 बूंद हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो लीप का वैसा हिस्सा, वैसा पार्ट जो कवर था ब्लैक पेपर के द्वारा, इसमें सनलाइट नहीं पड़ने के कारण स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और लीफ का वैसा पार्ट जो अनकवर्ड थे, तो अनकवर्ड पार्ट जो था हमारा, तो उस अनकवर्ड पार्ट में लाइट पड़ने के कारण स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ,
तो इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के कारण ब्लू ब्लैक कलर हुए, लेकिन इस पार्ट पर जो वेरिएटेड पार्ट था यहाँ पर पेल येलो कलर हुए। कंक्लूजन हमारा यही हुआ, यहाँ पर देखिए कंक्लूजन मैंने लिखा है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक्सपेरिमेंट एक हो गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को कहा गया कि एक बीकर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर रहेगा, उसमें एक हाइड्रिला प्लांट को रखते हैं, एक्वेटिक प्लांट को, और एक्वेटिक प्लांट को उलट कर रखा गया। और देखिए यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रिला प्लांट है। ये क्या, ये हाइड्रिला प्लांट को एक बीकर में रखा गया और बीकर के ऊपर में क्या किया, कोनिकल फिनल को उलट कर ऐसे रख दिए, कोनिकल फिनल के ऊपर में एक टेस्ट ट्यूब को डाले। तो टेस्ट ट्यूब को डालने के बाद इसको 4 to 5 hours के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखे। वाटर हीट होने के कारण इस हाइड्रिला प्लांट से एयर बबल जो थे वो निकलना शुरू हुआ और ये कोनिकल फ्लास्क के फिनल से होते हुए टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर कलेक्ट हुए। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग डार्क प्लेस पर रखते हैं तो सनलाइट नहीं मिलने के कारण एयर बबल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हुआ जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बबल के रूप में, ये क्या था, ऑक्सीजन बबल के रूप में निकल रहे थे। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप इन प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन डिस्चार्ज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही है, लेकिन आप लोग 7th क्लास के लिए चैप्टर है 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, और 19th क्लास के लिए चैप्टर 1 में लाइव प्रोसेस में इसको पढ़ना है एक्सपेरिमेंट को। 5 मार्क्स 7th क्लास में भी आता है और CBSE बोर्ड में 10th क्लास के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से। थोड़ा सा इसको 2 बार रिपीट कर इसको देखें वीडियो को। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।